खुरम को बुलवाओ, इन दोनों की मंगनी करवाता हूं मैं। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में। देखिए मुझे नीलो पसंद है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, मगर इतना जल्दी का अल्टीमेटम 2 दिन का, इसका मतलब यह है कि इसमें नीलो की रजामंदी शामिल नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। अमूमन लड़के वाले आते हैं रिश्ता लेके, अब ऐसी सूरत में मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बाबा मैं क्या कह सकती हूँ। यही तो है आज के खास मेहमान, क्यों पसंद नहीं आए? सच में? जी, और उससे भी बड़ा सच तो ये है कि इन्हें यहाँ मैं नहीं लाई, ये खुद आए हैं। याद है आपने एक बार कहा था कि आपकी बेटी को साहिल समंदर में जाने का बहुत शौक है, लेकिन आपकी नमाजों में इतना वक्फा नहीं होता कि आप इसे आराम से ले जा सके। ये इतनी मेहरबानी किस लिए मालूम कर सकती हूँ मैं? मेहरबानी नहीं, इजहार तशक्कुर। दरअसल कल हाजी साहब के मशवरे पर अमल करके मुझे मेरे बाबा मिल गए। बुरा मत मनाओ, तुम्हारी अम्मा जादू टोने की बातें कर रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो मैं बुरा मत मनाऊं? जादू टोना यार, वो तो बस कर दो खुरम, किसी को काबू में करने की कोशिश और किस तरह से की जाती है? बेटा मरियम, मैं अभी सोचता हुआ आ रहा था कि कुछ दिन के लिए तुम्हें तुम्हारी खाला की अमीरपुर भिजवा ही दूं। कई बार तुमको बुलवा चुकी हैं, ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए। नहीं बाबा, वो मतलब अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन उनका भी तो तुम पर हक है ना? नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना, मैं खुद बात कर लूंगी खाला से। अच्छी बात है, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ना? तब की तब देख लेंगे। तब की तब का क्या मतलब बेटा? तुम बड़ी हो चुकी हो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा सिलसिला बनाना पड़ेगा ना, और तुम्हारी खाला से बेहतर तुम्हारे बारे में कौन सोच सकता है? क्यों, क्या आप मेरा गलत सोचेंगे? पर बेटा वो औरत है, उनको घर घर से वाकफियत है, लोगों से जान पहचान है, वो जानती है लोगों को। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? जी बाबा मैं समझ रही हूँ, पर मुझे अभी कहीं नहीं जाना, और मुझे जब भी जाना होगा मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी कि मुझे अपने बाबा से मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़े। चलो, इसका मतलब है तुम वहां जाना नहीं चाहती हो, लेकिन कराची में हमारा है कौन बेटा? नहीं है तो ना सही, अल्लाह तो है, वो कोई ना कोई असबाब बना देगा, आप फिक्र ना करें। हाँ बेटा, वो कोई ना कोई तो हल निकाल देगा। वैसे एक बात पूछूं बेटा? जी बाबा। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो और कह नहीं पाती हो? मैं कुछ समझी नहीं। चलो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ इशारा तो दे दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? बाबा आप कभी भी कुछ गलत नहीं सोच सकते। मैं देखता हूँ बेटा, लगता है हमारी सोच जो है वो दरवाजे पे चलकर आ गई है, तुम ये लेके जाओ अंदर। जी जी बाबा। बेटा क्या हाल है? आओ आओ अंदर आओ, तुम आओ, बैठो बैठो। अभी पता है मैं और मरियम ना तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुम आ गए। माफ कीजिएगा हाजी साहब, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं शैतान हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। इंग्लिश में कहते हैं ना कि थिंक ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज हियर। अभी भी बताना बाकी है क्या?
बुरी बात बेटा मरियम, ऐसा नहीं कहते। बाबा मैंने कहा कुछ कहा, मौसूफ ने खुद ही कहा। बुरा मत मनाना राफे बेटा, इसकी तो आदत है, बच्ची है ना अभी। अच्छा अब मैं बच्ची हूँ, थोड़ी देर पहले तो आप क्या, थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? मैं बताता हूँ बेटा। नहीं बाबा। नहीं क्यों नहीं? सॉरी मुझे आपके घरेलू मामलात में नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, है तो घर की बात लेकिन तुमसे की जा सकती है, तुम भी तो घर के फर्द हो ना। ठीक है अगर ऐसा है तो फिर बताइए क्या बात है। बाबा मैं चाय लेकर आती हूँ। शर्मा आ गई पगली। मैं बिल्कुल तुमसे नाराज हूँ। हाँ और तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। लेकिन भाई मैं तो कुछ नहीं, मुझे तुमसे सुनना, सही भाभी तुम्हारी कहती है कि मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। अच्छा बस अब छोड़े ना, आइंदा नहीं करेगी, ठीक हो जाएगा सब। क्या गारंटी है? कल मैं इसे समझा के उनके घर छोड़कर आया हूँ। और भाई आप लोग मुझे ही सुनाए जा रहे, कोई मुझसे भी पूछेगा कि मैं वापस क्यों आई हूँ? कुछ नहीं पूछना मुझे तुमसे, कुछ नहीं पूछना, सब कुछ भाभी तुम्हारी बता चुकी है। और फिर तुम कोई इतनी बड़ी हूर परी तो हो नहीं जो तुम पर कोई जादू टूना करेगा। सही कहती है भाभी, मैंने तुम्हारा दिमाग खराब किया है ना, तो मैं ही अब ठीक करूंगा। अच्छा तुम ऐसे करो कि कल खाला को बुलाओ, और क्या नाम है उसका, खुर्रम। हाँ खुर्रम, खुर्रम को बुलवाओ, इन दोनों की मंगनी करवाता हूं मैं। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में। कमाल करते भाई, क्या करूं मेरी समझ में कुछ नहीं आता, प्यार मोहब्बत से मैंने बिगाड़ा है। तुम ठीक कहती हो। भाजी साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ हाँ। हेलो मरियम बेटा, इधर आओ, ये उठा लो बेटा, आके अंदर ले जाओ। सॉरी एक कॉल आ गई थी इम्पोर्टेंट। नहीं कोई बात। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे बाबा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, उनका बहुत दिल है आपसे मिलने का, वो आपको अपना मोहसिन समझते हैं। मोहसिन? वो किस लिए बेटा? वो इसलिए कि मैंने आप ही की बातों से मुतासर होकर उनसे बात करना स्टार्ट किया। ये तो अल्लाह का करम है बेटा, जब उसकी मर्जी शामिल हो जाती है ना तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हाजी साहब जो भी हो, वसीला तो आप ही बने थे ना। वसीला? ये अच्छा कहा बेटा तुमने, वैसे मैं भी तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है फिर आप हुक्म करें, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप चलें या फिर मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ। एक दो दिन रुक जाओ बेटा, फिर बताता हूँ मैं। हाजी साहब जैसा आपको ठीक लगे आप करें। खैर मैं लेट हो गया, मुझे एक जगह पहुँचना है। चलो ठीक है, लगाता हूँ। ठीक ठीक है बेटा। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सही भाभी तुम्हारी कहती है कि मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, तो मैं ही अब ठीक करूंगा। अच्छा तुम ऐसे करो कि कल खाला को बुलाओ, और क्या नाम है उसका, खुर्रम। हाँ खुर्रम, खुर्रम को बुलवाओ, इन दोनों की मंगनी करवाता हूं मैं। आ गया अब सुकून, और करो नखरे, जिससे भाग रही थी ना अब उसी की बीवी बनोगी।
ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं तो क्या तुम्हें लगेगा? और तुम वाकई में ऐसा सोच सकती हो कि मैं उस पागल से शादी कर लूंगी? अच्छा तो मतलब अब तुम पापा के सामने खड़ी होने वाली हो, बदतमीजी करोगी उनसे? उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं बस थोड़ा सा भाई को रोक कर दिखाऊंगी। अगर इस बार कतन ऐसा नहीं होगा, सुना तुमने? मगर भाई बस अब एक लफ्ज और ना सुनो, अब लाइट बंद करो और सो जाओ। और हां जितना रोना पीटना है ना अभी से रो लेना, मुझे दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जाओ तुम भैया। कहने को तो लंबी छुट्टी ले रखी है और ये गिटार है कि जानी नहीं छूटती इससे। इतनी आसानी से जानी छूटेगी इससे? बरसों का साथ है हमारा और मामा बाबा हैं तो आपकी नन्नी सी जान कहीं फंसाने का सोच रहे हैं। अच्छा वो कहाँ? बस कोई है, मामा बाबा को पसंद आ गई है। वो कहते हैं कि जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अच्छा तो पहले क्या इस घर में बुरा हो रहा था जो वो आकर अच्छा कर देगी? आप क्या भाई, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और आप इनके पता नहीं आसमान पे क्या ढूंढ रहे हैं। चांद ढूंढ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता मुझे इस आसमान पर सबसे ज्यादा चांद फैसिनेट करता है। जब भी चांद को देखता हूं जहन में एक ही ख्याल आता है कि चांद के इस पार क्या होगा। कम ऑन भाई, इतने साइंटिफिक दौर में चांद की असलियत सामने आ गई है, अब ऐसी बातें कौन सोचता है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ, गलत टाइम पर पैदा हो गया। अच्छा तो मुझे बताएं क्या सोचते हैं आप? तुम नहीं समझोगी। अरे रुको, नाराज क्यों हो रही हो इस बात पर? अच्छा बताओ तुम क्या कह रही थी उसके बारे में? कुछ नहीं कहना मुझे। ओहो तो मैडम गुस्से में है। सही लो आइसक्रीम खा लेना। अभी रख लो। ठीक है मगर इनकी तादाद बढ़ानी होगी, हर्बल इतने से काम नहीं चलेगा। ओके बॉस। अच्छा बताओ इस लड़की के बारे में। दिल तो नहीं है लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी। अब इतनी जिद कर ही रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। बताओ। Thank you.
जी जी मैं अभी बात करवाता हूँ आपकी। हम ही ले। किसका फोन है? हाँ हेलो, कौन? हाँ अच्छा, बहुत खुश कर दिया तुमने मेरा। हाँ हाँ मैं राजी हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज सुबह ही मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, उसने मेरी सुन ली। कौन सी दुआ, कुछ तो बताएं। अरे कैसर का फोन था, तुम्हारी और नीलो की शादी के लिए वो राजी हो गया है। क्या? हाँ परसों इतवार है ना, तुम्हारी और नीलो की मम्मी रखी है उसने। अब तो खुश होना बेटा। अम्मी मैं ऐसे खुश नहीं हूँ। देखिए मुझे नीलो पसंद है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर इतना जल्दी का अल्टीमेटम 2 दिन का, इसका मतलब यह है कि इसमें नीलो की रजामंदी शामिल नहीं है, उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। अरे बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। तो समझाए ना, लेकिन समझाने का ये कौन सा तरीका है कि पहले उसकी शादी करवा दो। अम्मी आप कैसर भाई से बात करें, अगर तो नीलो की मर्जी इस शादी में शामिल है तो फिर तो मैं राजी हूं, लेकिन अगर उसकी रजामंदी नहीं है तो मैं राजी नहीं हूं उस रिश्ते के लिए। अरे बेटा ठंडे दिल से फिर सोचो। अम्मी प्लीज आप मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करें। क्या करूं मैं, या अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा दे। तुमने जो सोचा जो कहा अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी तक मैं अपने फैसले पर कायम हूं। क्या मतलब कैसर भाई, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। देखो खुरम, अगर तुम अपने तौर पर नीलो से शादी करने से इनकार कर रही हो तो मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन लेकिन अगर तुम उसके बचपने की वजह से ये सब कुछ कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बात और, देखो मैं तुम दोनों का बड़ा हूं और तुम दोनों की शादी ये मेरी मर्जी से हो रही है और मैं इसमें खुश हूं। कैसर भाई मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज 2-4 दिन मजीद इस बारे में सोच लें प्लीज। सोच चुका हूं, बहुत अच्छे से सोच चुका हूं। अब 2 दिन के बाद तुम्हारे घर आऊंगा और खाला जान के सामने ये फैसला रखूंगा, फिर जो भी तुम जवाब दोगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन तुम किसी भी दबाव में आकर कोई जवाब नहीं देना। देखो खुर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सैनब खाला मेरी सगी खाला नहीं है, लेकिन मेरी मां के साथ उनकी मोहब्बत और अपनाइयत इतनी थी कि मैं इन रिश्तों के तकद्दस को बरकरार रखना चाहता हूं। फैसला जो भी हो ये रिश्ते यूं ही रहेंगे। तुम किसी दबाव में आकर जवाब नहीं देना। खुरम आया है, चाय तो बनाओ इसके लिए। जी।
हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी खुर्रम भाई इनकार करेंगे? अब वक्त आ गया तराना। किस चीज का? मेरे इस दुनिया से जाने का। तुम फिर कोई ड्रामा करोगी? बात अब ड्रामों से बहुत आगे निकल चुकी है। मैं मर कर भी खुर्रम से शादी नहीं करूंगी। इसलिए इसलिए क्या? इसलिए मैं अब खुदकुशी कर लूंगी। तुम खुदकुशी? और वो भी सच में? तुम्हें वाकई में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? नहीं, मर कर भी नहीं। तो पागल पूछ क्यों रही हो फिर? तो और क्या कहूं? अच्छा सुनो, अभी जब हम दोनों बातें कर रहे थे ना, भाभी आई थी, लेकिन मैंने उन्हें जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें देख लिया। अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए कहा ताकि तुम उन्हें सुना सको? जी, और देखो, भाभी ने तो सब कुछ सुन लिया, अब वो डायरेक्ट जाएंगी भाई के पास, सारी पट्टी उन्हें पढ़ाएंगी, और इस डर से कि कहीं मैं खुदकुशी ना कर, भाई इनकार कर देंगे। वो फल्ला बहुत चलाको तुम। कुछ सीख लो बेटा, तुम भी सीख लो, कल को काम आएगा। अगर पहली बार मुझे देख भी लिया था और अपने तौर पर अकलमंदी भी कर ली थी, तो कम से कम एक बार फिर से देख लेती कि मैं यहीं मौजूद हूं या जा चुकी हूं। और तुम्हारा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल लगता ही नहीं है ना? एक नई मुसीबत देख लेती ना दोबारा। जी बाबा, आपको क्या जरूरी बात करनी थी बोलें। हाँ बच्चा, मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर राफे के यहाँ जाता हूँ तो क्या लेकर जाऊँ। बाबा वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है आप कुछ लेके जाएं या ना लेके जाएं। लेकिन फिर भी बेटा, इखलाकन और रस्मन तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाना चाहिए ना। रस्मन? हाँ बेटा, कुछ ना कुछ लेकर जाना जरूरी है। और ये बात मुझे बड़ी चुभ रही है कि लड़की वाले रिश्ता लेके नहीं जाते हैं, अमूमन लड़के वाले आते हैं रिश्ता लेके। अब ऐसी सूरत में मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बाबा मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा रुको, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बाप, मुझे अपनी माँ समझो। और बेटियां तो माँ से अपनी सारी बातें करती है ना। जी बिल्कुल, ठीक तरह से समझ बूझ कर मुझे बताओ कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर नहीं गया तब भी बात आगे नहीं बढ़ेगी बेटा। बाबा अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए सबसे बढ़कर आपकी इज्जत है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लाल मेरे बिटिया, तुम भी तो मेरी इज्जत हो। तो फिर बाबा जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं फिर राफे से एक बात करता हूँ कि मुझे अपने घर ले चले, मुझे तुम्हारे बाबा से बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है? जी ठीक है बाबा, मुझे जरा कुछ काम है तो। अच्छा बात सुनो, तुम भी अपना इस्तखारा कर लेना बेटा। राबी, राबी कम ऑन, आ जाओ, बहुत लेट हो रहे हैं। क्या ये लड़की? यस मामा। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। चलो लेट्स मूव। मामा वो गिफ्ट्स?
Oh, come on. मैंने रखवा दिए हैं गाड़ी में. You don't worry about it. चलो. But mama, I just need a 1 minute, please. No, no 1 minute more. तुम्हारा 1 मिनट 10 मिनट के बराबर होता है. Or probably 15 minutes more. I just need a 1 minute. हाँ, बस आई मैं, हाँ? Oh, Rabi, come on. We are getting already late. Mama, please, 1 minute से क्या हो जाता है? No, no. 1 minute की तो बात है. बस मैं आती हूँ 1 minute में. Rabi, come on. Let's move. देखो नील बेटा, हमें लगता है कि जैसे जिंदगी हम अपने मुताबिक जीते हैं, अगर ऐसा नहीं है बेटा, हकीकत ये है कि जिंदगी हमें अपने मुताबिक जीने पर मजबूर करती है। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन जिंदगी नहीं बल्कि आप लोग मुझे इसे अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। ये नहीं मानेगी, आप हामा हाई दीवार से अपना सर फोड़ रहे हैं। की कह रही हैं आप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो आप लोग चाहते हैं बस वही सही है? कल को अगर मेरी सोच सही साबित हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? और अगर तुम्हारी सोच गलत साबित हुई तो कोई मसला नहीं है, जो होगा एटलीस्ट मुझे ये तो पता होगा ना कि उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा कि क्या तुम किसी और से शादी करना चाहते? किसी और से शादी करने की तो बात ही नहीं है भाई, आप लोग तो ये भी नहीं जानना चाह रहे कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। खुदा के वास्ते कैसर, अब इसकी बातों में आके ना अपना फैसला आप दोबारा नहीं बदलेंगे। मैं तो कहती हूँ इतवार को लोगों को बुलवाएं मंगनी, बल्कि निकाह करवाएं और बात खत्म करें इन दोनों की। भाभी आप बिना किसी लिहाज के मुझे इतना कुछ सुनाती हैं, सोचें अगर एक बार भी मैंने आपको कुछ कह दिया तो। अच्छा बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में, क्या जहर है मुझे भी तो बताओ ना। ओ, तकबीर खुदा के लिए। नहीं नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ क्या है इसके दिल में। कुछ नहीं, मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया था कि अगर मेरी जगह यहाँ तराना होती क्या उससे भी यही सब कुछ कहा जाता। यही बल्कि इससे भी ज्यादा कहती, सुना तुमने जी? और इससे भी ज्यादा सुनती हैं आप। अरे आप देख रहे हैं क्या बोल के गई है मुझे? हाँ, एक मिनट। बेचैनिया दिल में घर कर गई, ये कश्मकश क्या से क्या कर गई। बेचैनिया दिल में घर कर गई, ये कश्मकश क्या से क्या कर गई। वाओ राफेल, क्या मेलोडी है, क्या लिरिक्स है, मुझे यकीन है ये सॉन्ग भी बहुत हिट होगा। ये लोगों को अच्छा लगा? बिल्कुल, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा है पर क्या तुम्हें कोई कमी लगी है? जो मैं चाह रहा हूं ना वो नहीं हो रहा, फील नहीं आ रही। काम करते हैं, सॉन्ग बना कल रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा राफे, 2 मिनट आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। जरा गला गीला हो जाए तो माहौल बन जाएगा। ठीक है ले आओ। ये मैं आपसे कहना ये चाह रही हूं कि जब हम अपने बच्चों को किसी लंबी मुसाफत के लिए भेजते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं ना, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों का सफर पुरसुकून गुजरे, खुशगवार गुजरे। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके खाने पीने का, उनके आराम का पूरा ख्याल रखें, और रास्ते में अगर उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मुनासिब रकम भी उनके पास होनी चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं?
और आप अपनी लाडली बेटी को जिंदगी के लंबे सफर पर रवाना करने के लिए कैसे इन सब बातों को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं आप ये सब बातें? तकबीर कुछ खाने को लाओ। अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ खिलाना ही चाहते हैं तो मेरा मुंह मीठा करवा दीजिए। इस रिश्ते की मंजूरी की खुशी में जी। प्लीज अब जल्दी कोई फैसला सुना दे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी भाभी को देखने के लिए।